क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है और सभी पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सो क्वेश्चन में हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, फाइंड इट बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। जो भी हमें इक्वेशंस का ये पेयर दिया गया है, इसमें से हमें फाइंड करना है सबसे पहले कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है इन इक्वेशंस का। अगर इन तीनों कंडीशंस में से यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो उसके बाद हमें इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व भी करना है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो सेकेंड पार्ट में हमें ये इक्वेशंस का पेयर दिया गया है, इसमें ऊपर वाली हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, नीचे वाली हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले फाइंड करते हैं इन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जो भी हमारी कोफिशिएंट्स की रेशियो है उनको कंपेयर करना होगा, यानी कि a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 को कंपेयर करना। सो a1 by a2 क्या होगा, a1 by a2 होता है हमारा x के कोफिशियंट, यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा a1 by a2, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 3। इसी तरह से b1 by b2 क्या होगा, y के कोफिशियंट होते हैं, यहाँ पर y का कोफिशियंट कुछ भी नहीं है तो हो जाएगा 1, b1 हो गया 1 और by हो जाएगा 2, तो b1 by b2 आ गया 1 by 2। बिल्कुल इसी तरह से c1 by c2 क्या होगा, c1 by c2 आ जाएगा हमारा 5 अपॉन में 8, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म, सो ये आ गया अपॉन में 8। आप यहां पर देख सकते हैं a1 by a2 2 by 3 है और b1 by b2 1 by 2 है, यानी कि a1 by a2 और b1 by b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो इस कंडीशन को हम शो कर सकते हैं कुछ इस तरह से, a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। इस कंडीशन से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी ये इक्वेशंस हैं इनकी लाइंस किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि सोल्यूशन कौन सा होगा, यूनिक सोल्यूशन। सो यहां पर मैं लिखता हूं द इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। जो भी ये इक्वेशंस का पेयर है इसका सिर्फ एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इसको आगे हमें सोल्व भी करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। सो इक्वेशंस के पेयर पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो ये आ गई हमारी दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। इन इक्वेशंस पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करने से पहले इनको लिखना होगा हमें जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में क्या होता है, सभी टर्म्स एक साइड में होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट टर्म 5 क्या है, इक्वल्स के साइन के इधर है, इसको भी इधर लेके जाएंगे, इधर ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगी माइनस में। सो हमारी एक नई इक्वेशन बनेगी जो होगी 2x प्लस में y, और 5 इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में 5, और इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं बचा इस साइड, तो आ जाएगा 0। ये हमारी एक नई इक्वेशन हो गई, तो इसको नया नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। बिल्कुल इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को भी हम यही करेंगे, 8 को इधर लेके आएंगे, तो इक्वेशन हमारी आ जाएगी 3x प्लस में 2y माइनस में 8 इक्वल्स टू में 0। ये इक्वेशन हो गई हमारी 4th इक्वेशन। अब जो भी हमारी नई इक्वेशन 3rd और 4th आई है, इस पर अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सो यहां पर मैं लिखता हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम सोल्व करेंगे विदाउट फॉर्मूला, जो बिल्कुल इजी होगा, फॉर्मूले से भी इजी है विदाउट फॉर्मूला इसे सोल्व करना। सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो एक्स वाली हमारी टर्म्स है इनको हम कर लेंगे हाइड, एक हाथ से आप इन टर्म्स को छुपो लीजिए इस तरह से। जिन भी टर्म्स को हमने छुपोया है, एक्स वाली टर्म्स को हमने छुपोया है, उन्हीं टर्म्स को हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स, वेरिएबल लिखना है हमें सिर्फ, ठीक है। ये आ गया एक्स वेरिएबल, और इसके अपोन में क्या आएगा, इसके अपोन में आ जाएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब हमें कोफिशियंट को। वाई का कोफिशियंट है 1, 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में इस तरह से, 1 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा माइनस का 8, इसके बाद माइनस का साइन आएगा। अब दूसरी तरफ क्रॉस करेंगे, यहाँ पर माइनस 5 से 2y को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी y नहीं, सिर्फ 2 कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करना है। सो माइनस 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, माइनस साइन एज इट इज, यानी कि आ जाएगा माइनस का 10। अब इक्वल्स का साइन आ जाएगा। अब जो हमने x वाली टर्म्स को छुपोया था, इनको वापस से वैसी ही कंडीशन में लेके आ जाएंगे। y वाली टर्म्स को छुपोना है, अब x वाली टर्म्स का हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट, अब छुपोना है हमें y वाली टर्म्स को, तो ये मैं हाइड कर देता हूँ y वाली टर्म्स को। y वाली टर्म्स को हाइड किया है तो यहाँ पर भी आ जाएगा y, और ये y के अपोन में क्या आएगा, y के अपोन में वही, फिर से हमें क्रॉस करना है
माइनस फाइव से इसको इस तरह से क्रॉस कीजिए, माइनस फाइव से थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव से थ्री को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा माइनस का 15, उसके बाद यहां पर आएगा माइनस का साइन। अब फिर से इस तरह से क्रॉस कीजिए, 2 से माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा होता है 16, प्लस माइनस माइनस 16 आ जाएगा, ये आ गया माइनस का 16, फिर से इक्वल्स का साइन आ जाएगा। अब y वाली टर्म्स को अनहाइड करेंगे, यानी कि बिल्कुल वैसी ही कंडीशन में ले आएंगे जैसे पहले थी, ये आ गई। अब जो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है इनको हाइड करेंगे, ये मैं छुपो देता हूं कॉन्स्टेंट टर्म को। कॉन्स्टेंट टर्म में तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखा जाता है कॉन्स्टेंट टर्म में 1, 1 के अपॉन में क्या आएगा, यहां पर भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यहां पर ये 2 है, यहां पर ये 2 है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा हो जाएगा 4, माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहां पर क्या है, वाई का कोफिशियंट है 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3, यहां पर आ जाएगा 3। अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जो हमारी x वेरिएबल वाली टर्म है और कॉन्स्टेंट टर्म है इनको इक्वल्स में रख देना होगा। इक्वल्स में कैसे, यहां पर और यहां पर इक्वल का साइन है, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे के इक्वल है। सो इसको सोल्व करते हैं, यहां पर x एज इट इज आएगा, x के नीचे क्या आएगा, x के नीचे माइनस 8 एज इट इज आएगा। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं माइनस माइनस 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 10 एज इट इज। इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, यहां पर 1 एज इट इज आएगा और इसके नीचे क्या है 4 माइनस 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1, और डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू लिखना जरूरी नहीं होता है, तो यहां पर हमारा बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा। सिंपली यहां पर x एज इट इज आएगा, x के नीचे क्या आएगा, x के नीचे माइनस 8 है और 10 प्लस में है, 10 वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, इस तरह से आप लिखें 10 आ गया, 10 वाली प्लस की वैल्यू पहले लिखी, उसके बाद माइनस का 8 लिखा, यानी कि 10 में से 8 को माइनस करना है हमें। सो 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और इक्वल्स टू में 1। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो x के साथ 2 डिवाइड में है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे, दूसरी तरफ ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा हो जाएगा 2, ये आ गई x की वैल्यू। जिस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड की है कॉन्स्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करके, बिल्कुल उसी तरह से y वाली टर्म्स को कॉन्स्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, y यहां पर आएगा एज इट इज, y के अपॉन में माइनस 15 एज इट इज आएगा। अब यहां पर दिया है माइनस माइनस, माइनस माइनस 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 16 हो गया, और इक्वल्स टू में यहां पर क्या आएगा, यहां पर तो हमारा सेम ही आएगा ना, 1 अपॉन में 4 माइनस 3, यानी कि नीचे भी 1 आ जाएगा, और नीचे 1 लिखने की जरूरी नहीं होता है तो ऊपर का 1 काफी है। यहां पर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इस तरफ एज इट इज आएगा और अपॉन में 16 प्लस का है, प्लस वाला यहां पर लिखो, प्लस वाला 16, उसके बाद माइनस का 15, 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, और नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। इसको सॉल्व करने पर आ गया इक्वल्स टू में 1, यहां पर मैंने लिख दिया है चलो आपके लिए 1। अब इस 1 को इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पर y के साथ ये डिवाइड में है, इस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, 1 1 जब 1 ही होता है, सो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, ये आ गई y की वैल्यू। सो यही हो जाएंगे हमारे आंसर्स, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। बिल्कुल इजी सा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए।